संगम सांस्कृतिक साहित्य एवं सामाजिक संस्था एवं दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नरसिंह बहादुर चंद स्मृति साहित्य ग्रंथ का लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह का आयोजन दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अवैधनाथ स्मृति सभागार में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर अनंत मिश्रा रहे। जिसके संबंध में कार्यक्रम संयोजक रामकृपाल राय ने बताया कि संगम साहित्य सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था के द्वारा नरसिंह बहादुर चंद किताब का लोकार्पण एवं संगम समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नरसिंह बहादुर चंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद जनपद के एक धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की और संगम संस्था के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर आर डी राय, डॉक्टर आद्य प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर अनिल कुमार राय, डॉक्टर ओ पी सिंह सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संगम साहित्य संस्था के संयोजक राम कृपाल राय एवं संस्था के अध्यक्ष कृष्ण कुमार चंद कौशिक ने कहा, आपका संस्मरण चाहिए एक बार कहने पर सभी लोगों ने उपस्थित कराया। आज साकार रूप में कि साहित्य पितामह, वो साहित्य पितामह थे, इसलिए उस ग्रंथ का नाम हुआ साहित्य पुराण बीज। उस ग्रंथ का लोकार्पण होगा। यह कार्यक्रम तीन चरणों में है। मंचस्थ ने एक ऐसी परंपरा स्थापित की कि जयंती पर उनका आज जन्मदिन है, और जब ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ तो ईश्वर की अनुकंपा देखिए 2022 के माध्यम से लगभग 36 फिल्मों का सम्मान किया जाएगा। और उसके बाद होगा मंच से निवेदन करूंगा मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्पण करके कार्यक्रम को संपादन करते हुए अनिता पाल सिंह जी ने लिखा है। मैं डॉक्टर रामकृपाल राय, साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण एवं संगम सम्मान समारोह 2022 का आयोजन दिग्विजयनाथ के सभागार में आयोजित हो रहा है। सबसे पहले उनके पुस्तक का स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण होगा हो रहा है, और उसके बाद सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसमें शिखर सम्मान है, भूषण सम्मान है, सृजन सम्मान है, सेवा सम्मान है, और सबसे संगम सुमन सम्मान है। अनंत मिश्र जी को, अनिल राय जी को, प्रमोद जी को और आद्या प्रसाद द्विवेदी जी को,
शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है और डॉक्टर राम दर्श राय जी को शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सृजन सम्मान में जयप्रकाश नायक जी हैं, अमिताभ पांडे जी हैं और सबसे इसके महासचिव जो अनिता पाल सिंह हैं उनको भी इसमें सम्मानित किया जा रहा है। तमाम तरह के सम्मान से सबको सम्मानित करने की योजना यहाँ पे बनी हुई है। पुस्तक के बारे में साहित्य पितामह नरसिंह बहादुर चंद जी इस गोरखपुर जनपद के ऐसे व्यक्तित्व धारक थे जिन्होंने अपने काव्य के द्वारा पूरे समाज को दिशा देने की कोशिश की। संगम संस्था के संस्थापक के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया और प्रत्येक माह के तीसरे रविवार को ये संगम गोष्ठी होती है जिसमें नवांकुरों का सम्मान किया जाता है और अब जा कर के जब वो हमारे बीच नहीं हैं तो उनके इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य उनके पुत्र श्री राजन चंद जी कर रहे हैं। कृष्ण कुमार चंद कौशिक, ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। ये साहित्य के पुस्तक जो है स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण का आज कार्यक्रम है। इसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रमोद कुमार सिंह जी हैं और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष अनंत मिश्र जी हैं। सम्मान समारोह भी है जी, सम्मान समारोह भी है।